अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद साद और आप देख रहे हैं आज न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पावर मार्केट पे और आज जिस तरह कोविड 19 की बढ़ती हुई सूरत हाल, जिस तरह बहुत ज़्यादा केसेस अब कोविड 19 के सामने आ रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान किया गया कि फिक्स शाम 6 बजे से तमाम कारोबारी मराकज़ जो है वो बंद कर दिए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं लांडी पावर मार्केट इस वक्त पूरी बंद हो चुकी है, जिस पर गवर्नमेंट की हिदायत पर तमाम जो लोग हैं वो SOPs पर अमल कर रहे हैं। और ये आप मेरे साइड में देख सकते हैं, ये लांडी मोबाइल मॉल अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये इस वक्त बंद हो चुका है और ये 6 बजे के टाइम ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बंद कर दी गई हैं, ताकि जो गवर्नमेंट के साथ ये आवाम मिलके चलने को तैयार है, तमाम चीज़ों तमाम SOPs को ये लोग जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं। और इनकी यही अपील है कि खुदारा कारोबारी मराकज़ को इसी रूटीन में चलाया जाए, ताकि वो अपने जो बीवी हैं बच्चे हैं उनके लिए हलाल रिस्क कमा सकें और अपनी ज़िंदगी आसान तरीके से गुजार सकें। इसके साथ अभी हम आगे आपको अपने व्यूज़ दिखाएंगे, लांडी पावर मार्केट की तरफ अंदर जाएंगे और आपको वहाँ की भी दुकानें दिखाएंगे कि यहाँ जो लोग हैं वो तमाम लोग गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट करने को तैयार हैं, ताकि जो कोविड 19 की जो बढ़ते हुए केसेस हैं उसकी SOPs के तहत SOPs पे अमल भी करें, ताकि कारोबारी मराकज़ जो हैं वो चल सकें। जैसा कि ये तमाम जो दुकानें हैं पावर मार्केट की वो बंद हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं मेरे कैमरामैन अगर आपको अंदर से ये व्यू दिखा सकें कि तमाम जो दुकानें हैं वो बंद कर दी गई हैं, ताकि जो है गवर्नमेंट के साथ मिलके ये आवाम ये लोग जितने भी ताजर हजरात हैं वो मिलके चलने को तैयार हैं और उनकी वजह से तमाम कारोबारी मराकज़ जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं शाम 6। जैसा कि यहाँ पावर मार्केट पे तमाम दुकानदारों ने सिंध गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट किया और अपनी जो दुकानें हैं वो 6 बजे जो बंद कर दी हैं। और इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, मैं मोहम्मद साद कैमरामैन ज़ुबैर बाबा के साथ आज न्यूज़ कराची।